प्रोग्राम का आकर्षण हो रहा है। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं एक ही देवेंद्रनाथ हैं जो प्रसिद्ध हैं हमारे विश्व में। इनका नाम किसी भी देश में आप ले ना, सभी जानते हैं देवेंद्रनाथ कहाँ से आ गए। मैं हेमंत मानिक जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, मंच पर आ जाएं प्लीज। थैंक यू सो मच। और जब तक वो आ रहे हैं, मैं अपने छोटे नन्हे कलाकार को इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आप सबको। देखिए बीच में जब बैठी हुई है हमारी रिया बेटी, जो कल आपके बीच में छोटे छोटे गैया ला कर गए सुनाई थी। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी। और उनके साथ में उनकी बड़ी दीदी, उन्होंने गाया था उनके साथ में। और कल एक भजन सुनाई थी एंड में। मैं चाहूंगा वो कथा के बीच वो भजन हमारे बीच में लाएंगी। आज ऐशा बेटा भी आई हुई है, उनका भी बहुत स्वागत। हमारे प्रधान जी की बेटी है और साथ में हमारे प्राची बेटा भी है। आज ये हमारे नन्हे कलाकार लोग हैं, इनको सबको शायद मौका नहीं दे पाएंगे क्योंकि कथा भी चलना है और कीर्तन भी करना है। आप सब आनंद भी लेंगे क्योंकि आज गिरी गोवर्धन जी का वो पूजा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ है। आइए श्री हेमंत जी से निवेदन करूंगा। श्री हेमंत जी, आप अपने मुखारविंद से कुछ संदेश देना चाहते हैं, प्यार भरा संदेश देना चाहते हैं। इनकी आवाज, इनकी प्यार, इनके रेडियो तराना के माध्यम से, 3096 के माध्यम से सारे लोग इनको शायद सुन रहे हैं, उनकी आवाज से पहचान रहे हैं, लेकिन इनके मुखारविंद से रूबरू शायद कम मिलते हैं हमें। तो आइए, ये है श्री हेमंत पारिक जी। धन्यवाद सबको। जय सियाराम। ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट प्रमुख साहब और आप सब भक्तजन, राम कुमार सिरोज जी, आप सबके योगदान के लिए, आप सबके भव्य कार्य के लिए हमेशा हम यहाँ पे उपस्थित होते हैं और हमारा अपना योगदान देते हैं। और बहुत सराहनीय है कि मैं कुछ दिन पहले ही कह रहा था कि हम कुछ लोग जो लेट 80s में और अर्ली 90s में आए थे वो ज़रा हाथ उठाएं, पहले पहले आए थे, बहुत कम लोग हैं। तो यहाँ पे नींव रखी गई थी कि
संत श्री मुरारी बापू ने आके रामायण का रामचरित मानस कथा जो कही, उसके बाद भारतीय मंदिर की स्थापना हुई। तो हमारे धर्म के कार्य के लिए और कथा के श्रवण के लिए बहुत कम संत ज्ञानी आए हैं, और हम और आप अभी जो सुन रहे हैं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ख़ास तौर पर ये जो फिजी से लोग आए हैं, उन्होंने जो योगदान दिया है वो सराहनीय है, क्योंकि इसकी वजह से हम दिवाली, होली, रामायण, रामनवमी, जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो पहले पता ही नहीं चलता था हमको कि कब क्या हो रहा है। पंडित जी हमारे घर में, छोटे छोटे घर में अंधेरे में, ठंड में बैठा करते थे। तो मेरा आने का यहाँ पे मुख्य कार्य ये है कि आपके कार्यक्रम की सराहना करूँ, और आपके प्रवचन को मैं ऑनलाइन भी सुनता रहता हूँ। सराहनीय के छोटे छोटे संगीतकारों को जो तालीम दे रहे हैं, जिनकी प्रगति के लिए और भविष्य के लिए, फॉर द फ्यूचर जनरेशन व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग एंड प्लांटिंग द सीड इन द यंगस्टर्स, विच इज़ वेरी वेरी वाइटल। मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ जुड़ा 2006 में, और आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हिज होलीनेस श्री रविशंकर जी आ रहे हैं। उनकी ध्यान की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इनकी श्वास की जो प्रक्रिया है, सुदर्शन क्रिया टेक्निक, जिसका दुनिया भर में 180 कंट्रीज में ये अपना जो कार्य है वो कर रहे हैं और सेवा प्रदान कर रहे हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी आ रहे हैं। तो फिजी के लिए बहुत गर्व की बात है कि फिजी के प्रधानमंत्री और फिजी के प्रेसिडेंट को मिलने वाले हैं। तो भारत और फिजी का जो कनेक्शन है, और 180 कंट्रीज में फिजी का नाम रोशन होने वाला है, तो हम सब के लिए गर्व की बात है। तो मैं यही संदेश लेके आया हूँ कि वो न्यूजीलैंड 24 अक्टूबर को आएंगे, और यहाँ पर एक कार्यक्रम रखेंगे जिसमें योग और ध्यान की बातें करेंगे। नाउ हाउ मेनी पीपल हैव डन मेडिटेशन है? थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा। सो मेडिटेशन हमेशा हम इतराते हैं। भारत का ये जो ज्ञान है, हमारा रामचरित मानस और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, इसके साथ साथ आयुर्वेद और योग, जिसका उपयोग गोरे लोग बहुत पूर्ण रूप से कर रहे हैं, हम थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो थोड़ा एक दो मिनट ध्यान करें जी। हाँ, एक दो मिनट ध्यान करने से क्या होगा, ध्यान में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आंखें बंद करके थोड़ा विश्राम करना है। तो हमारी जो शक्ति, हमारी जो श्रवण करने की शक्ति है, कि हमारे प्रवक्ता तो बहुत अच्छे हैं, बट आप अच्छे वक्ता भी हैं, तो आप और भी अच्छा ग्रहण करेंगे। तो जब वो कथा सुनेंगे तो उसके कुछ अंश हमारे शरीर में रहेंगे, हमारे माइंड में रहेंगे, और हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो आंखें बंद कर लें, लेट्स कीप आवर आईज क्लोज। सब अपनी हथेली को छोड़ दें, कीप योर पाम्स ओपन एंड रेस्ट ऑन योर नीज और थाइज। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट गो। जैसे हम सांस लेते हैं, धीरे धीरे हमारा पेट फूलेगा, हमारी छाती फूलेगी, और जैसे जैसे सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे हमारी छाती और पेट धीरे धीरे ढीला हो जाएंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्लोली एक्सपेंड योर टमी एंड योर चेस्ट एंड जिम्पे लेट गो। द इनकमिंग ब्रेथ energizes your body and the outgoing breath relaxes your body. जैसे हम सांस अंदर लेते हैं, शरीर में स्फूर्ति आती है, और जैसे धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, हमारा शरीर ढीला होता है और हम थकान से दूर महसूस होते हैं। आंखें बंद रखें, keep your eyes closed, observe your breath. हमारे आसपास जो भी आवाज आ रही है उसको सुनें। मन में कुछ विचार आ रहे हो, फिर थॉट से कर दें, लेट देम बी। आवर बॉडी इज अ प्रेशियस गिफ्ट ऑफ डिवाइन। हमारा शरीर भगवान की बहुत बड़ी देन है। हमारे शरीर पर ध्यान दें। फिर से गहरी सांस लें, डीप ब्रेथ इन एंड धीरे धीरे सांस छोड़ें। उन सब के प्रति थोड़ा प्यार और आशीर्वाद
लव एंड ब्लेसिंग्स भेजेंगे जो आस पास में अस्वस्थ है, बीमार है, दुनिया में जहाँ पे युद्ध छिड़ा है, वहाँ के बच्चों को, माताओं को, वृद्धों को, सबको सहायता मिले, उनके प्रति सद्भावना भेजिए। चेहरे पे एक हल्की मुस्कान रखेंगे, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट गो। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए, बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी एंड योर ब्रीथ एंड विद अ लवली स्माइल। कृष्ण भगवान हमारे सामने है, कृष्णमयी ये जगत है, वासुदेव कुटुंबकम हम महसूस कर रहे हैं, तो चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते हैं। आसपास के सभी लोगों को, मीट ऑल द पीपल अराउंड इट, हमारे आसपास पीछे भी लोग हैं, उन सबको नमस्कार करें। अच्छा लगा, धन्यवाद। मैं राम कुमार सेवक जी और आपको ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे सुना और शामिल किया, और आज की कथा का मैं भी श्रवण करूँ, और आप धन्यवाद। एक जोरदार ताली हम सब श्री हेमंत पारिक जी को दें। बहुत बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी आपके क्लासेस में था, तो यह अभ्यास अति आनंददायक रहा, और मुझे पूर्ण विश्वास है पूज्य गुरुदेव जब आएंगे न्यूजीलैंड में तो हम में से कई लोग उनके जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड फेमस और इतने प्रसिद्ध हमारे गुरुदेव जी हैं, वो श्री 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 रविशंकर जी। आइए हेमंत जी को अपना एक बार धन्यवाद करते हुए चले हम सब भगवान के पावन कथा में डूबे। और उससे पहले मैं निवेदन करूं, संजीव भैया हमारे कुछ नियम है, उस नियम को हम उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। आपकी सुमधुर आवाज में एक सुंदर सा छोटा सा भगवान का हम गुणानुवाद कर लें, तो फिर हम बढ़ते हैं कल की रिकैपिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे कथा को लेकर के। आज जबकि मैंने कहा कि श्री गिरी गोवर्धन जी को हम लोग प्रणाम करने के लिए तत्पर हुए, हमारे बीच में कई वृद्ध हमारे सज्जन माताएं हैं जिनको मैं चरण वंदना करना चाहूंगा। मैं अपनी पूज्य माता श्री को चरण वंदना करता हूं, और मैं अपने स्वर्ग पिता श्री को प्रणाम करता हूं, और साथ साथ में जितने हमारे संत साधु महात्मा जन हैं उनको प्रणाम करता हूं। अपने गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय आदरणीय पूजनीय स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों को हम प्रणाम करते हुए चले। संजय भैया
ताली जोरदार ताली हमारे संजीव प्रसाद भैया के लिए। और उन्हीं की बेटियां हैं जो पीछे बैठी थी, उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, और इतने प्यारे प्यारे गीत भजन संगीत हमें सुनाते रहते हैं। तो आप सुन ही लीजिएगा, इतना प्यारा इंसान जो इतना प्यारा गाता है, जिनकी आवाज़ में कशिश है, ऐसे जब वो गाते हैं तो उनके स्टूडेंट्स कैसे गाते होंगे। बड़ा प्यारा लगा, बहुत सुंदर लगा। राधा के बिना शाम आधा, ये सही है न हेमंत जी? राधा के बिना शाम आधा है। अगर हम राधे नाम का जाप नहीं करेंगे ना, तो हमने शाम का पूरा पूरा पूजा नहीं कर पाए, कभी उनके सानिध्य में नहीं हो पाएंगे, कभी उनके शरणागति में नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम राधे जी का नाम तो बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, क्योंकि वो दो हैं शरीर लेकिन आत्मा उनका एक ही है। गौलोक में बसने वाले ऐसे भगवती मैया राधा जी सदैव भगवान के आराध्य थी, उनकी शक्ति थी। जब जब भी वो पृथ्वी पर कोई ना कोई रूप धारण करता है तो उनकी शक्ति उनके साथ में आते हैं। जब रामचंद्र जी बन करके भगवान पृथ्वी पर आए त्रेता युग में, तो भगवती मैया सीता बन करके आई है उनके साथ में। और जब श्री भगवान जी कृष्ण अवतार धारण करें तो कई भगवान के शक्तियां आई साथ में, लेकिन राधा उनकी विशेष शक्तियां हैं। बिना राधा के श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाते हैं। बाद में चल करके थोड़ा सा इस पर हम व्याख्याकरण करेंगे। आइए हम चलेंगे कल का प्रसंग जो था उसमें आप लोगों ने श्रवण करी कि उनका नामकरण संस्कार हुआ ना। गर्गाचार्य मुनि महाराज जी आए हैं, उनका नामकरण संस्कार, और नामकरण संस्कार में थोड़ा सा यही हुआ कि रोहिणी और माँ यशोदा ने सोचा कि हम लोग अदला बदला कर ले थोड़ा सा। तो लल्ला कृष्ण को रोहिणी जी की गोद में रख दिया, और बलदेव को अपने गोद में माँ यशोदा रख ली। और श्री गर्गाचार्य त्रिकाल दर्शी था, उन्होंने तो फिर जान ही लिया कि भाई जो रोहिणी पुत्र है सारे संसार को आराम देने वाला है, सबको भय से दूर करने वाला होगा, इसलिए उनका नाम राम होगा। तो बलराम नाम रखा, क्योंकि बल के वो सीमा। और मैंने कल कहा था ना, त्रेता युग में राम जी बड़े थे, लक्ष्मण छोटे थे, क्योंकि वही शेषनाग का अवतार है। तो इस बार उन्होंने सोचा कि हम पिछले त्रेता युग में भैया के बहुत बातें सुनी, जहां हमें बोलना था हमने प्रयास भी किया तो भैया ने रोक दिया, उनके आदर उनके सम्मान के लिए मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इस बार हम बोलेंगे और वो सुनेंगे। ऐसा ही हुआ, पूरा का पूरा। आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े तो आप पाओगे कि बलदेव भैया ने शासन किया है। आए श्री भगवान की पावन कथा को पुनः वहां से आगे बढ़ा करके हम चल रहे हैं, और इस कथा में हम प्रवेश करेंगे आज। देखिए वृंदावन, गोकुल और वृंदावन का फासला है। वर्षा बहुत दिन तक ना हुई, बाबा नंद बहुत ही परेशान हो गए, सारे गोकुल के लोग भी परेशान हो गए। गैया क्या चरेंगी, जब चारा नहीं होगा तो गैया चरेंगी नहीं, और जब गैया ना चरेंगी, उनके पौष्टिक घास आदि नहीं मिलेगा तो दूध ना देंगे, तो माखन नहीं निकलेंगे। और ये सब का विचार करके एक छोटा सा सभा बुला करके श्री बाबा नंद जो गांव के सरपंच हैं, गांव के मुखिया हैं, और वो इस सभा में एक निर्णय लेते हैं कि क्यों ना हम गोकुल छोड़ते हैं, और गोकुल छोड़ करके हम वृंदावन चले।
लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटियों। पुनः एक बार मैं आप सबको विशेष विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ। ये मेरा सम्मान नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, ये मेरा सम्मान नहीं है मौसा राजेश जी, ये सम्मान है हमारे इस व्यासपीठ का। हम बोला करते हैं ना कभी कभी मंत्रों के माध्यम से, नमस्ते व्यास विशाल बुद्धाय, वो व्यास जो है विशाल बुद्धि वाला है। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धाय फुल्लारविंदाय तापत्राय नेत्र एन्त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान महाप्रदीप। जिनके स्मरण मात्र से हमारे अंदर के छुपे हुए जितने ज्ञान है वो हमारे पास आ जाते हैं। अभी थोड़ा देर में मैं माँ के पास बैठा हुआ था और हमारे भाई बेचारे तरुण जी, छोटे भैया मेरे, वो असमर्थ है, वो निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ माँ है जो 95 वर्ष की है, ऑलमोस्ट 95 ईयर्स ओल्ड, और एक मेरा भाई है जो डाउन सिंड्रोम, 52 ईयर्स, कल उनका जन्मदिवस था, 52 ईयर्स वो, और अब उस अवस्था में आ गए कि उनको बेसिकली 724 किया की जरूरत होती है। और हमारे तरुण जी छोटे भाई मेरे इन दोनों को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, और हर रात्रि को लाइव प्रोग्राम वो देखते हैं। उसने एक बात बहुत सुंदर कहा कि भैया मनुष्य अपने कर्तव्य से अगर चूक जाए तो वो मनुष्य को मानव नहीं कहा जाता। एक बार चूक जाए तो ठीक है, धन्यवाद जनमन भैया, एक बार चूक जाए कोई बात नहीं, बार बार जो चूक है ना तो फिर वो सही नहीं है। इसलिए तो शास्त्रों का ज्ञान लेना है। ऐसे विशाल बुद्धि वाले हमारे श्री व्यास मुनि महाराज के चरणों को हम प्रणाम करते हुए इस माला को धारण करते हैं, अन्यथा मेरी में वो सामर्थ्य नहीं है। जो सीखा है अपने गुरुओं से सीखा है, जो सीखा है अपने बड़ों से सीखा है, जो पाया है अपने, जैसे हमारे हेमंत जी वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड योगा टीचर इन न्यूजीलैंड, और वो भी किसके डायरेक्शन के नीचे, श्री श्री रविशंकर जी, कोई साधारण मानव नहीं है वो कोई दिव्य पुरुष है जो इस पृथ्वी पर इस बार आए हैं और कितने सारे लोगों को अपने बातों से, अपने योग शक्ति से और सबको रिझा लेते हैं। ऐसे श्री व्यास देवमुनि महाराज को मेरा पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, चरण वंदना, और खास करके भैया नीलेश प्रताप जो हमारे 2024 के रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी के कोऑर्डिनेटर थे, उनकी बेटी प्राची जो बहुत सुंदर गाती भी हैं, उनके द्वारा सम्मानित होकर के मैं पुनः एक बार अपना कृतज्ञता को मैं प्रकट कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप सबका, आप लगातार बड़े ही प्यार से आकर के यहाँ बैठते हैं, संगीत का आनंद भी लेते हैं, भजन का आनंद भी लेते हैं, और साथ साथ आप कथा भी श्रवण कर लेते हो। तो जब सूखा पड़ गया, गैया के लिए घास नहीं मिल पाएगी ठीक से, और आपको याद है ना नंद बाबा पास कितना कितने गैया हैं वरुण बेटा, 900,000, 900,000 गैया है बाबा नंद के पास। हमारे पास चार गाय हो तो अगर झूरा पड़ जाए तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, बाबा नंद के पास 900,000 गैया है मनी, और इतना गैयों को कहां से भोजन लाएंगे। इसलिए सबने विचार किया कि क्यों ना हम वृंदावन चले, वृंदावन में बड़े हरे भरे घास है, वन है, और यहाँ कोई ना कोई राक्षस आता रहता है,
अब पूतना आई, पूतना के बाद में तृणाव्रत आया, तृणा के बाद में पलम्बा सुर आया, फिर बाका सुर आया और ये सुर आया। सब असुर लोग आते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। बाबा ने सोचा चलो हम लोग गांव ही छोड़ देते हैं, नगर ही छोड़ देते। वाह वाह सुनी भैया, आनंद यही तो है, यही तो है जो अभी बज रहा है आपके आगे, यही तो है। श्री कृष्ण भगवान के वो शस्त्र है जिस शस्त्र से वो क्या नहीं कर सकता। कल मैंने दो लाइन सुनाई थी, सागर भैया आपके लिए सुनाई जाती है, अनीता जी आपके लिए सुनाई देते हैं। बांसुरी बजावे रंग से मुरारी, बांसुरी बजावे रंग से मुरारी, समाधि टूट जाती है जब भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं ना। शिव समाधि टूट गई, भूले नित्य कारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले। आइए इसको हम ताल चेंज करें, ताल चेंज करें हम। भैया हम चाहते हैं दादरा बजाए मेरे लिए आप। बांसुरी बजावे आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजावे आज रंग से मुरारी, शिव समाधि टूट गई, भूली नित्र कारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी, बांसुरी बजावे आज रंग से मुरारी। चमत्कार होता है जो गोपियां होती है ना। अब इसको कोई उस भाव से ना लेना मास्टर रमेश, मास्टर पवन, अपने पतियों के सेवा करती हुई कृष्ण के इतना पावन प्रेम में बांसुरी की मधुर ताल से अपने पतियों की सेवा छोड़ दी थी। रोटी बनाती हुई रसोई का काम छोड़ करके जहां से मुरली की आवाज आती थी उधर भागी चली जाती थी। संध्या आपका स्वागत कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। और भगवान अपनी बांसुरी में तन्मय हो जाते हैं तो हमारे कविराज लिखते हैं, यमुना जल उल्टी बहे शोभा जन्यारी, यमुना जल उल्टी बहे शोभा जन्यारी, बांसुरी बजावे आज रंग से मुरारी। हमारे बीच में जय जी आए हुए हैं, जय बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं।
पता लगा जो हॉल की सजावट हो रही थी रुपेन भैया, तो याद होगा पिछले संडे को, तो जय जी बैठे हुए थे यहाँ, गेट खुला हुआ था, बत्ती वगैरह जल रही थी, वो सच्चे कोई बड़ा फंक्शन है, आ गए तो यहाँ सब जुटे हुए थे, सजावट कर रहे थे, तो अपनी बांसुरी निकाले बाद में एकदम, तो लोगों ने पूछा भैया है कौन, अरे हमारे तो पुराने मित्र है वो और बजाते बहुत सुंदर। मैंने इनका निवेदन किया था कभी आप अपना बांसुरी ले आए, तो पता नहीं लाए कि नहीं लाए, नहीं लाए आज। अरे कृष्ण भगवान के वो शस्त्र आपने घर छोड़ दिया। मैं कभी कभी एक कथा बताया करता हूं, काका भोजराज पीपल का पेड़ कभी किसी को आवश्यकता हो ना, तो हमारे दूसरे वाले गाइड जो है वहां पर एक बड़ा सा पेड़ है, बहुत पहले हम लोगों ने लगाए थे और उसको हम लोग काटते छाटते हैं, जब वो बड़ा होता है उसको हम लोग साइज रखते हैं, तो कभी डाल वगैरह काट करके रख दिया जाता है, तो आपको अगर कभी जरूरत पड़े कि आप चाहते हैं अपने घर में पीपल का पेड़ बोए, ले जाए आप हमारी फेसबुक से जुड़े, ओकरण रामायण संस्था ट्रस्ट का अपना फेसबुक है, उसमें जुड़े, तो कभी कुछ होगा हम लोग डाल देंगे उसमें, तो आप आए ले जाए उसको। तो मैं भी कोशिश किया कि हमारे घर में पीपल का पेड़ हो जाए, लेकिन जब वो पनखने लगा ना, कल्लाए उसमें आ लगी, बड़े सुंदर सुंदर डाल आ गए। एक दिन आया मैं खोज रहा पीपल के पेड़ गए किधर, तो फिर अब मालकी तो थी नहीं घर पर, तो पता नहीं कहाँ हुआ था। तो जब शाम को आई मैंने पूछा भाई मेरे पीपल के पेड़ इधर थे किधर गए, तो उसने कहा कि भाई हमने किसी को दे दिया। मैंने कहा क्यों दे दिया, तो उसने कहा कि भाई मैंने पढ़ा है यूट्यूब में कि पीपल के पेड़ घर में नहीं रखते हैं। मैंने कहा भाई हद हो गई, कौन छोड़ दिया यूट्यूब में ये बात, अगर वो छोड़ रहा है पीपल के पेड़ आपके घर में ना हो तो आप श्री भगवान कृष्ण को नहीं चाहते हैं। क्यों, क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं कि मैं वृक्षों में कौन सा पेड़ हूं, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो आपने अगर अपने घर से पीपल पेड़ निकाल दिया, दैट मीन्स कृष्ण भगवान को आप आउट कर दिया। इस तरह से हमारे जय जी को मैं संकेत कर रहा हूं, अगले बार इस भवन में आए तो श्री कृष्ण जी के शस्त्र को ले आए, और उसी से देखना कितना आनंद हो रहा है, कितना आनंद हो रहा है। ऐसे बांसुरी बजे तो गैया लोग भी मस्त, ग्वाल बाल भी मस्त, और भगवान के अनुपम लीलाओं का वर्णन करी जाती है। आइए बेटा मैं निवेदन करूंगा, दिया हमारे बीच में आएंगी अभी एक मिनट के अंदर में, और आपको वो भजन सुनाएगी जो कल उन्होंने सुनाया था और मुझे इतना पसंद आया, तो वो कल लाइव नहीं गई थी, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि सारे जितने हमारे लाइव ऑडियंस हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा हमारे बहुत सारे लाइव ऑडियंस होते हैं और कम से कम 7-8 हजार 9 हजार तक पहुँचते हैं लोग, इतने सारे लोग मात्रा में हमारी प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चले हम आपको बताएं कि ये भगवान श्री कृष्ण की उस लीला का वर्णन है जो अतिशय प्रिय है, और उस लीला में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात का बहुत भावप्रद वर्णन किया हम सब के लिए, कि जब भगवान अपनी लीलाएं करती हैं, जब भगवान मुरली बजाते हैं, जब भगवान छोटे छोटे नटखट लीलाएं करते हैं, तो सब जितने ग्वाल बाल है सब आनंद विभोर हो जाते हैं, सब मगन हो जाते हैं, सब झूम उठते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान जो अपने मंडली का नाम चोर मंडली रखा था और स्वयं अपने आप को प्रधान बनाया था, ये प्रधान नहीं, हमारे श्री कृष्ण लल्ला जी प्रधान ऑफ द चोर मंडली थे, इसलिए कहीं माखन चोरी करने को जाए
तो अपने आप लीड करते थे कि हम आगे जाएं और आप सब हमारे साथ साथ पीछे पीछे रहे और काम ये करता। बाकी आप तो सब जानते हैं कि मैया कितना कितना ज्यादा क्रोध में आ गई थी कल और उखल से बांध दी थी उसको। आइए दिया बेटा सुनाए वो कृष्ण भगवान की वो पावन भजन जो हम सुनना चाहते। मुरली
दिया बेटी, सदा सुखी रहो बेटा। माँ सरस्वती की अनुकम कृपा आप पर रहे, और आपके जितने सहेली लोग हैं, आपकी जीजी छोटी वाली रिया को भी वही गुण देना बेटा जो आप में है। ना हमारे रामायण की एक चौपाई आई है, इसमें लिखा है, अति साया रगड़ा करे जो कोई, अति साया शीतलता देने वाला, शीतलता देने वाला चंदन में भी आग लग जाता है। अगर कोई प्रयास करे तो उसको घिसो, उसको घिसो, और उसी चंदन की लकड़ी में भी आग प्रकट हो जाती है। तो कोई कहता कि मुझ में नहीं आता, ये गलत है, ये झूठ है, ये बिल्कुल पाखंड है, सभी में वो है। शरी पता है ना, ओ हो ओ आ आ, तीन चार घंटा में एकदम बिल्कुल, आज भी 15 साल बाद उसी स्वर में गाती है वो, लेकिन मुश्किल पड़ गया, मैंने इसको मौका नहीं दिया। भगवान करे ऐसे बच्चे जो है कल ऐसे संगीत बने हमारे बीच में, एक से एक धुरंधर कलाकार दिख रहे मुझे। सबको तुम ऊपर बुला नहीं सकते हैं, अभिन भैया नारायण आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चले हम वहां चाहते हैं कि जब नंद बाबा के आदेश पर सब अपने अपने झकड़ों में किनाट बैलगाड़ी में सब सामान अगर लाद कर करके पहुंच जाते हैं वृंदावन, और वहां सब अपने अपने कुटिया आदि सब बना करके और आराम से उनकी दिनचर्या कटने लगती है, सुमरण होता है, भजन होता है, और कुछ हमारे कुल के आधार पर जो पूजन पाठ है ना वो भी करी जाती है। हम लोग भी साल में एक बार बोलते हैं घर पर आना, रोट और कथा है मास्टर अशोक जी, तो आ जाते हैं लोग, चले आते हैं, ये हमारा परंपरा है, हम पहले से करते चले आए, हमारे पूर्वज करते चले आए। तो हम तो यहाँ ना एक दिन ऐसा हुआ, भगवान लल्ले कृष्ण जो है उठा सवेरे, और वो बिना मुंह धोए बिना कुल्ला दातुन करे, और ऐसे लगा कि भाई आज तो यहाँ बहुत कुछ पकवान बन रही है, बहुत अच्छी अच्छी महक आ रही है पकवान की, तो सीधे मैया यशोदा के रसोई घर में चले जाते हैं। और जैसे उन्होंने कदम रखा कि मैया फटकार दी, कहा लल्ला दातुन वगैरह किए हो, नहीं मैया अभी तो उठा हूं, तो बिल्कुल यहां नहीं आ सकते, वर्जित है, पता है ना, बिना मुंह धोए बिना दातुन मंजन आदि करे आप रसोई घर में मत जाओ, और चप्पल पहन करके तो बिल्कुल रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। वो एक मंदिर है, वो एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर से हमें हमारी शरीर को पालन करने के लिए व्यवस्था मिलती है, हमें शरीर पालन के लिए व्यवस्था मिलती है, इसलिए उस मंदिर का हम आदर करें, उस मंदिर का सम्मान करें। कल दो गेलन तेल में बहुत कुछ बना, पूड़ी बना, कुछ आलू बना, कुछ मटर बना, और भी कुछ बना सोनी भैया, मास्टर भवन से पूछे कहा क्या और बना, फिर भी तेल बच गई। ये है रसोई पूजन का फल, रसोई की पूजा करी जाती है, कम से कम जैसे हम लोग ब्रह्मार्पण करके भोजन करते हैं, ऐसे रसोई को भी जल सिंचन कर ले और तब अपने भोजन पकाएं। तो मां आज बहुत फटकारी लल्ला को कि लल्ला तू नहीं आ सकता ऐसे बिना मुंह धोए रसोई घर में, और लल्ला को थोड़ा भूख भी लग गई, और फिर ड्रामेबाज तो है ही, वो आपको पता है
कितना ड्रामा करता है। उसने कहा मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, अब मैया तो पिघल जाए थोड़ा थोड़ा देर में, लेकिन आज मैया नहीं पिघलने वाली है कल की तरह, बांध करके वो खली में जाएगी। आज मैया ने ये प्रण उठाने दिया, ऐसे लल्ला को कहा कि तू एकदम बाहर जा, एकदम बाहर जा, मेरे रसोई घर को अपवित्र कर रही हो, और खास करके आज। बोले मैया क्या हो रहा है, इतने सारे पकवान क्या बन रहे हैं, क्या आज कुछ जलसा है, कोई महोत्सव है, कोई ऐसा हमारे त्योहार है। बोले नहीं लल्ला, कोई ऐसा जलसा तो नहीं है, लेकिन आज एक प्रत्यक्ष देवता के लिए हम भोजन तैयार कर रहे हैं। बोले किस देवता के लिए भोजन तैयार हुई मैया? बोले बेटा हमारे भगवान इंद्र हैं, एक इंद्र तो यहां बैठा हुआ है, एक इंद्र वहां हमारे सभा में बैठा हुआ है, दो दो इंद्र आए हुए हैं। तो बोले भगवान इंद्र जो है वो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, उनके लिए आज बन रहा है, जब तक उसको भोग नहीं लगोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है खाने के लिए। जा बाबा के पास जा और बाबा तुम्हें इसके बारे में बताएंगे, मैं थोड़ा व्यस्त हूं। अब तो लल्ला ने सोचा बाबा से काम बनेंगे, तो थोड़ा ड्रामा किया, थोड़ा घी लगाया, थोड़ा ये लगाया वो, और रोंदे स्वर में पहुंचा बाबा के पास में। बाबा ने देखा लल्ला आया है, मुख मलिन है और थोड़ा सा उदास भी है, कुछ आंसू भी निकल रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले मैया ने फटकारा बाबा। बोले क्या फटकारा, क्यों फटकारा? थोड़ा सा अवधी भाषा भी, ब्रज भाषा भी लाएंगे हम, तो उधर समझ जाओगे आप, हमारे बुढ़ा पुरानिया लोग कहाँ आवा जावा सब, आधा तो यहाँ लंबा साले बैठे हैं तो सबको पता है ये आवा जावा क्या होता है। तो ऐसे जो यूपी वाली भाषा है माना, उत्तर प्रदेश की भाषा, वो थोड़ा सा ऐसा ही होता है कभी। बोले मैया ने फटकारा। बोले क्यों फटकारा? बोले हमने मांगा पकौड़ी और कचौड़ी, उन्होंने मना कर दिया, कहा कि जब तक भगवान का भोग नहीं लगोगे तब तक हम तुम्हें कुछ ना देंगे। बाबा ये कौन सा भगवान का आज भोग लगने वाला है? तो बाबा ने अपने गोद में बैठाया, लल्ला तू बैठ समझ। बोले क्या? बोले देव इंद्र हमारे प्रत्यक्ष देवता है बाबा। लल्ला तो बोले इंद्र कैसे प्रत्यक्ष देवता हुआ? बोले वो क्या करता है मालूम? बोले वो अपने मेघाओं का आदेश देता है, और मेघाएं हमारे ब्रज गोकुल में बारिश करते हैं, और जब बारिश होता है तो घास उगती है, और जब घास उगती है तो हमारे गैया चरते हैं, और जब गैया चरते हैं तो दूध देते हैं, और लल्ला जो तू माखन खाता है ना, वो माखन में वो आनंद आता है, और स्वयं श्री भगवान इंद्र के ही कृपा से होता है, अन्यथा हमें मुश्किल पड़ जाएगी। तो इसलिए साल में एक बार हम इंद्र पूजन करते हैं, इंद्र देवता का पूजन करते हैं। और ये बात तो आपको पता है, लल्ला को भाई नहीं, इंद्र कैसा भगवान? भगवान तो मैं मन ही मन सोच रहा है, बोला नहीं बाबा नंद से, लेकिन भगवान तो मैं, क्योंकि मैया ने कह दिया था कि जय जय को जब तक भोग नहीं लगोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो कन्हैया ने सोचा सबसे बड़ा जय जय तो मैं हूं, अरे मेरा भोग नहीं लगे और किसकी जय जय की भोग लगा रहे। और तभी बाबा से कहना, बाबा ये गलत है। बोले गलत है? बोले हाँ गलत है। तो बोले फिर आप बताओ ना। बोले हमारे प्रत्यक्ष देव का अगर कोई है तो वो है श्री गिरी गोवर्धन जी। गिरी गोवर्धन जी वो कैसे? बोले मैं बताऊं बाबा, ये जो मेघाएं आती है ना बारिश को लेकर के, ये गिरी गोवर्धन से जब टकराते हैं तो बारिश होती है हमारे ब्रज में। इसलिए अगर हमारे प्रत्यक्ष देवता कोई है जिसके कारण से हमारी गैया बड़े हष्ट पुष्ट है घास खा करके, वो हमारे गिरी गोवर्धन जी हैं। इसलिए हम चाहते बाबा इस साल
इंद्र का पूजन ना हो, इंद्र का पूजन ना हो, बाबा भयभीत हो गए। लल्ला तू क्या बोल रहा है? बोले हम सही बोल रहे हैं बाबा। बोले आप सही बोल रहे हैं। बोले अगर मैं आपको कहूं कि आज इंद्र का पूजन ना करे बाबा तो क्या हो जाएगा? बोले इंद्र नाराज हो जाएंगे, इंद्र रुष्ट हो जाएगा, इंद्र क्रोधित हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा? कुछ हमारे ऊपर व्रज वासियों के ऊपर, गोकुल वासियों के ऊपर कठिनाइयां आ जाएगी। देवताओं को अप्रसन्न नहीं करते, देवताओं को सदा प्रसन्न रखना चाहिए। तो बोले नहीं बाबा, हम इस बात को आपको गारंटी दे रहे हैं। लल्ला कृष्ण कह रहा है कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे, लेकिन इस साल हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे, इंद्र पूजन स्टॉप। तो बोले कैसे करेंगे? यही पकवान, यही सब कुछ बनेगा, सब कुछ इसी तरह होगा, लेकिन हम सब चलेंगे श्री गिरि गोवर्धन जी के पास, वहां उनकी हम पूजन करेंगे और जितने भोग हम बनाएंगे उन भोग को श्री गिरि गोवर्धन जी को ही देंगे, तब आनंद हो जाएगा। अरे बाबा ने कहा बेटा अगर इंद्र नाराज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? बोले हम संवारेंगे। और इस बात का किसी बात में नंद बाबा को लगा कि लल्ला ठीक ही कह रहे हो, लेकिन बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे पापा पुंसामी काका जी बुजुर्ग हैं, हमारे भैया हमारे उत्तम जी हमारे बुजुर्ग हैं, हम लोग उनको सदैव आदर करते हैं। बुजुर्गों का आदर करना है, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये हमारा बहुत जरूरी कार्य है। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स ना, तो एल्डर्स के ऊपर वाला जो देवता होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो हम हमारे पिता माता है, तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें वो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए सभी बच्चों को, सभी बेटियां को, सभी बेटे को हम यही कहते हैं ना, कभी आप बड़ों का निरादर ना करें, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको बड़ों के ऊपर कोई बात का क्रोध भी हो जाए तो भी आप बगल हट जाओ, लेकिन उनसे आप कभी जवाब ना करें, उनको कभी गालियां गलोच ना करें, क्योंकि ये दिस इज अ वेरी बैड सिन, और ये करने से आपका अगला जो आगामी जीवन है, जो भविष्य है, जो आपका फ्यूचर है, आप स्वयं बर्बाद कर रहे हो। हम अगर ब्लंट भाषा में बोले तो हम बोले कि आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ओन फ्यूचर by not respecting our elders। तो यहाँ नंद बाबा को एक रिस्पेक्ट मिल रहा है क्योंकि वो गांव के एक बुजुर्ग हैं, और बुजुर्गों के साथ में ये निर्णय लिया गया कि चलो हम लोग अपने अपने घरों से जो पकवान बन गए वो पकवान को लेकर के हम सब श्री गिरि गोवर्धन जी के पास चले। आइए बेटा प्राची हमारे बीच में आई, छोटा सा भजन लेकर के और हम आगे बढ़ेंगे। सभी को हमारे साथ में बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान की, और बाबा नंद सबको आदेश दिया जिसके जिसके घर में जो पकवान पका है सब तैयारी के साथ में चलेंगे, अपने अपने झपड़ों में लादेंगे और जल आदि लेकर के हम चलेंगे, माला बनाएंगे, चंदन का टीका, सिंदूर का टीका, साथ साथ में हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल आदि जो भी पूजा के सामग्री है अगरबत्ती सब ले गए हम जाएंगे और श्री गिरि गोवर्धन जी का हम पूजन करेंगे। और सामने जब आप आएंगे आरती करने के लिए तो गिरि गोवर्धन जी को प्रणाम कर लीजिएगा, बस इतना करिएगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हमारे कई लोग गए हैं वृंदावन में, और वृंदावन में उन्होंने श्री गिरि गोवर्धन जी, पता है ना जब सेतु का निर्माण हो रहा था त्रेता युग में, तो सभी वानर भालू जगह जगह से पेड़ पालो और पहाड़ के टुकड़े वगैरह लेकर के सब आ रहे थे और सेतु का निर्माण हो, 100 योजन का सेतु निर्माण हो गया। और आदेश मिला कि भाई जो जो जहां से जो ला रहा है वही रख दे, वही छोड़ आए, क्योंकि इससे सेतु का निर्माण हो चुका है।
जब ऐसा संदेश आया तो इसी समय श्री हनुमान जी महाराज हिमालय का वो टुकड़ा अपने हाथ में लेकर के आ रहा था जो श्री गिरी गोवर्धन जी था, और आदेश मिलते ही सीधे उतर गए नीचे और वृंदावन में जाकर के उन्होंने रख दिया, प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए और हाथ जोड़ करके गिरी गोवर्धन जी ने कहा कि हनुमान जी आप राम जी से कहो ना कि हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। पवन देवता पवन जी पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा कि आप यही प्रतीक्षा करिए, मैं श्री स्वामी राम जी के पास जाता हूं, उनकी जो आदेश होगी वही संदेश आपके पास में लाऊंगा। गए श्री राम जी के पास में, उनके चरणों को वंदना किया, कहा प्रभु गिरी गोवर्धन जी आपका दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु राम ने कहा हनुमान जी से कि जाओ हनुमान जाओ वक्स उनसे कहो हम दर्शन देंगे उनको, इतना ही नहीं दर्शन ही नहीं मैं उनको अपने नख पर धारण करूंगा, एक दिन नहीं 7 दिन और 7 रात्रि मैं उनका धारण करूंगा। और तब से नाचने लगे गिरी गोवर्धन जी, नाचने लगे, अरे वाह भगवान ने दर्शन तो दर्शन, मुझे अपने हाथ में उठाएगा अपने नख पर उठाएगा, इससे वो नाचने लगे आनंदित हो गए और तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कब भगवान आएंगे कब भगवान आएंगे। और समय अब आ गया है, वो समय हमारी कथा के माध्यम से आज है कि आज भगवान श्री कृष्ण जी ले गए सभी को और सभी ने बृहत पूजा श्री गिरी गोवर्धन जी को किया। प्राची बेटा हमारे बीच में सुंदर सा भगन और फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। Thank you.
आज प्रसंग आगे बढ़ना है, कथा के बाद में भी हम हमारी बाकी अन्य बेटियों को सुनेंगे। भाव से चले, तैयार, सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है गिरि गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए। और हमारे शैला जी महाराज बड़े सुंदर चौपाइयों के साथ में, संजीव भैया हमारे साथ में हो जाए और हम पेज नंबर 176 पर हैं। ब्राह्मण वेद पठन पाठन करी, सब मिलकर के गिरि गोवर्धन का स्तुति करने लगते हैं। ओ ब्राह्मण वेद पठन पाठन करी, शत्रि मही रक्षा निज सिर धरी। अलग अलग वर्ण वाले अलग अलग काम कर रहे हैं वहां सब। वयस बंज करी वृति थमावे, शूद्र पुण्य से वाकल पाछे। हे ग्राम पुर हेत हमारे, हे हमार कारण ग्रह न्यारे, हम बनवासी तात सदासन, हम बनवासी तात सदासन, काटत वन गिर नहीं महाजीवन। दूध लेकर के व्यंजन विधि बना करके, दूध दही घृत लेकर के और मजूर सजा करके बार लाए। वेद ज्ञाता लोग वेद पाठन करने लगे और चारों ओर सभी मिलकर के श्री गिरि गोवर्धन जी का आराधना करने लगते हैं। चंदन अगरबत्ती लगा करके गिरि गोवर्धन को प्रणाम करते हैं। सवन कृष्ण आज्ञा अनुसारा, पूज्य गिरि कहा सफल प्रकाश, दान मान भोजन दई पायो, कीन ही प्रक्रिमा हर शायो। बोलो श्री कृष्ण कहीं हलाहल की। और जब कभी आप गिरि गोवर्धन जी जाओ ना, सो सप्त कोशी सात कोष का परिक्रमा है, दान घाटी से शुरू होता है, फिर आप कम से कम 4-5 घंटा लगता है पूरा का पूरा गिरि गोवर्धन जी का परिक्रमा। उसके बाद में जो भी अपने अपने घरों से सब लाए हैं, सब श्री गिरि गोवर्धन जी को अर्पण करेंगे। लेकिन कहां अर्पण करेंगे, कैसे खाएंगे? तो कन्हैया ने अपना लीला किया और जाकर के श्री गिरि गोवर्धन के ऊपर बैठ गया, एकदम जैसे कृष्ण यहां एक नीचे खड़े हैं, एक कृष्ण उधर ऊपर खड़े हैं। सबने सोचा यह गिरि गोवर्धन जी तो बिल्कुल मेरे लल्लो जैसे लग रहे हो। तो लो ब्रजवासियों भोजन अपना अपना, लाओ ब्रजवासियों सब
ऐसा आवाज ऊपर से आया, सब दौड़ दौड़ करके अपने झकड़ों से जो बनाए थे सब ले आए, सब अर्पण करने लगे, ब्राह्मण जी को दे लेंगे, पंडितों को दे लेंगे, पंडित सब अर्पण कर रहे हैं, और धीरे धीरे कन्हैया ऊपर तक पहुंच जाती है समान, और फिर दोनों हाथ से खावे। तो एक था मधुसूदन, उन्होंने धीरे से बोला कन्हैया से, ये गिरी गोवर्धन सब खाए ले होगो तो हम लोग कैसे क्या भूखे रहेंगे। बोले घबराओ नहीं, कुछ तुम्हारे खातिर भी छोड़ देंगे। और इधर देवऋषि नारद का आकाश मार्ग से जाना हुआ और उसने देखा आज इंद्र पूजन बंद है और गिरी गोवर्धन का पूजन हो रहा है। तो फिर आप जानते हो देव ऋषि नारद को ना, सीधे पहुंच गए इंद्रलोक में, स्वर्ग लोक में गए, और इंद्र तो आनंद ले रहा है, अपने अप्सराओं को मधुर तान से नृत्य करती हुई अप्सराएं उनका आनंद में झूम रहा है। गए देव ऋषि नारद, बोले नारायण 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 नारायण। बोले आओ इंद्र का, आओ देव ऋषि नारद, क्या बात है। बोले आप इधर बोले आनंद ले रहे हो, उधर तेरी मान घट गई है। बोले मेरी मान घट गई? बोले हाँ, तेरी पूजा स्टॉप हो गई, तेरी पूजा बंद हो गई। बोले हाँ कैसे? बस सब वृत्तांत बता दिया, आज तो ब्रजवासी सब गिरी गोवर्धन का पूजन करते। क्रोध में आकर के इंद्र ने मेघाओं को आदेश दिया, जाओ ऐसा बारिश करो, ऐसा बारिश करो कि ब्रज भूमि डूब जाए, खबरदार मुझे कोई भी जगह खाली ना मिले। और गए मेघाओं, इंद्र का आदेश है, और सब गए और तड़तर 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 बारिश होना शुरू कर दिया, ऐसी मूसलधार बारिश। सब डर गए, अब सब बोलने लगे, हम लोग जानते थे कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, लल्ला अब तू ही संभाल। नंद बाबा बोले लल्ला तेरे आज्ञा था, आपका निवेदन था, तो मैंने मान लिया आपकी बात, देखो परिणाम क्या निकला। इतने बारिश, लल्ला धीरे धीरे आदेश दे दिया, किसको? सबसे पहले तो अपने उस शेषनाग को कहा कि जाओ पूरा ब्रज पर बेड़ बांध दो कि बाहर का पानी अंदर ना आ पावे। और अगस्त मुनि को उन्होंने आदेश दे दिया, जैसे तुमने समुद्र सोख दिया था पी करके, आज तू जा जितना बारिश हो रहा है सब पियो खूब आराम से, खबरदार एक पानी अंदर ना आ पावे। और सबको कहा, जितने ब्रजवासी हैं बाबा नंद से कहा, सब आए हमारे साथ में, और सभी ने मिलकर के श्री गिरि राज जी का उन्होंने पूजा स्तुति करना शुरू किया। और क्या होता है सब बोलते हैं, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज और रजनी आप दोनों आगे आ जाए, गिरि गोवर्धन जी को चंदन का टीका करें। भैया उत्तम जी जल आचमन कर लेंगे पहले। सब गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगते हैं और उसी समय एक चमत्कार होता है। देवी सज्जनों, लल्ला ने अपने कानी उंगली पर श्री गिरि गोवर्धन को उठा लिया,
उलगिरी गोवर्धन भगवान की, उलगिरी राजधरण की, श्री गिरिराज धरण और सात रात्रि और सात दिन ब्रजवासियों गायें सभी को लेकर के लल्ला कृष्ण अपने कानी उंगली पर उस गिरि गोवर्धन को उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा करें। इंद्र के पास पुनः संदेश गया कि आप सोच रहे हैं कि ब्रज डूब गया, अरे वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र आ गए देखने के लिए कि भाई कौन सा चमत्कार है, और जब देखा है तो उसने सोचा मैं अपने आप को भगवान मान बैठा था, धिक्कार है मुझ पर, सारे जगत के गुरु तो यही है, बाल रूप में लल्ला कृष्ण गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे जगत के गुरु तो यहां, मैं इनके चरणों को वंदना करता हूं, बार बार 100 स्तुति करी है इंद्र ने भगवान के चरणों में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको क्षमा कर दिया है। क्यों? ब्रह्मा ने कितने स्तुति करी, ब्रह्मा को नहीं क्षमा किया। क्यों? क्योंकि 1 साल तक बछड़े गाय और ग्वालों से श्री भगवान कृष्ण को जो दूर कर देता है उसका कोई भी भगवान के डायरी में कोई ऐसा क्षमा का शब्द नहीं है। इसलिए आज इंद्र सभी जितने ब्रजवासी हैं सभी एक ही जगह पर आ गए हैं, भगवान के साथ में हो गए हैं। एक मजाक भी होता है बीच में, अब जब अंतिम दौर पर आता है तो सोचा लल्ला इतने दिन से टांगे हुए हैं इस पहाड़ को, ऐसे करते आप एक काम करो लल्ला, बोले थोड़ा सा आप आराम कर लो ना, तो बोले ये जो मैंने रखा है अपने हाथों पर इसका क्या होगा, बोले आप चिंता क्यों करते, बोले हम लोग सब अपने लठ लगाएंगे ना, सब ब्रजवासी अपने अपने लठों को लेकर के और श्री गिरि गोवर्धन के नीचे लगा दिया, बोले लल्ला अब छोड़ दो आराम करो थोड़ा देर, आप ना कुछ खा पी लो आराम करो फिर हम लोग देखेंगे, सुरक्षित है अभी तो फिलहाल हम लोग। और जैसे लल्ला ने थोड़ा सा ढीला किया अपना हाथ, सबके लट टटा टटटा चटचटा चटा टूटने लगे, अरे 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 लल्ला रोको ना रोको ना रोको ना, और लल्ला ने फिर अपना हाथ लगा लिया और 7 दिनों के बाद में बारिश भी खत्म, इंद्र का अपमान मान भी मर्दन हो गया और ब्रजवासी सुरक्षित हो गए, गैया सुरक्षित हो गई। यह है हमारे श्री कृष्ण की पावन कथा जो श्री गिरि गोवर्धन और श्री बाल कृष्ण लाल की बहुत सुंदर पावन कथा है। इसको करने से इसको सुनने से हम सबके जीवन में वो पदार्थ मिल सकता है कि एक दिन हम भी ऐसे भगवान के साथ में होंगे। अंत में किसी ने पूछा कि अरे लल्ला इतना छोटा और कैसे तुमने इस पर्वत को उठा लिया, उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। आज की अंतिम बात मेरी तरफ से आ रही है, आप सब सुने। कुछ तो माखन के बल बड़ों
बड़ा सुंदर दरवृद्ध जवाब दिया है। कुछ तो माखन के पल से, कुछ गोपिन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरीवर लिया उठाए। इतना सुंदर दरवृद्ध जवाब कि कुछ तो माखन जो खाया था ना, माखन का बल, और कुछ आप गोपियों ने सहायता करी जो हमने स्तुति के रूप में गाए, और श्री राधे जी की कृपा बनी ना, वो बरसाने वाली की कृपा बनी, तो हम इस गिरि गोवर्धन को अपने हाथों में उठा सके। बोलो श्री गिरि गोवर्धन भगवान की। धन्यवाद। आज का प्रसंग यही पर विराम, और कल अंतिम रात्रि मैं रविन भैया से निवेदन करता हूँ, रविन भैया शीघ्रता के साथ में हमारे मंच पर आ जाएं आप, और मैं चाहूंगा अभी एक मिनट बाद में हम लोग आरती की जो तैयारी हो करें, रविन भैया आ जाएं हमारे साथ में। धन्यवाद। इस बीच में मैं कल मौका लगे ना लगे, हमारे बाजू में बैठे नीलेश प्रताप हमारे कोऑर्डिनेटर हुए, जिनकी देखरेख में क्या होने वाला है, क्या पकने वाला है, कौन बनाना है, हमारे पवन जी मास्टर साहब उत्तम भैया। आज हम दिन में हम भी आए थे ना, हमें करने नहीं दिया कुछ, हमने सोचा थोड़ा चलाए दे तरकारी, चलाए दे कुछ, उसमें अपना योगदान दे दे, लेकिन बैठा दिए हमें, जूस चाय पानी वगैरह दिए हमें, चाय दिए हमें, विकल्प बताए, दो विकल्प है मास्टर रमेश जी, बताया कौन सा विकल्प तुम्हें चाहिए, मैंने कहा लाल चाय ठीक है, आनंद हो जाएगा रविन भैया। तो विक्रेश भैया आप शायद मिस कर दिए, दिन में आते तो आपको भी लाल चाय आराम से देते हैं बड़े प्यार से। तो ऐसी कोऑर्डिनेशन हमारी टीम जो है बहुत जबरदस्त टीम थी और है और रहेगी। आइए रविन भैया। जय श्री कृष्णा सभी को। व्यासपीठ पे बैठे वेद व्यास शास्त्री पंडित राम कुमार सेवक को दंडवत प्रणाम और धन्यवाद देते हैं उन्हीं को, जो आज तक जो सातवीं रात का जो कथा है भली भांति हमको सुनाए और समझाए, मनोरंजन भी किए। उसके अलावा शास्त्री जी हमारा जो टीम है वर्किंग टीम के साथ में मिलकर रात्रि तक भी सहायता पहुंचाते हैं, सफाई करना, बर्तन वगैरह धोना, भोजन परोसना, सिर्फ एक ही दिन बचा है जो कि कल होगा, वो भी ऐसे टीम द्वारा सब होगा। और मैं ओकलैंड रमन संस्था ट्रस्ट के फाउंडेशन ट्रस्टीज एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स और हर एक मेंबर की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जो कि अपना समय निकालकर पिछले 6 दिनों और आसतवा रात्रि को पदार्पण किए। तो यही आग्रह है कि आप सब कल इसी तरह आइए और हंसी खुशी कथा को श्रवण किए, नाच गाने होंगे जैसे शास्त्री जी ने कहा है। और उनके अलावा धन्यवाद है हमारे जो म्यूजिक टीम, अगर ये ना रहते तो हमारा म्यूजिक थोड़ा फिक्का पड़ जाता, लेकिन क्या करें चलता है। धन्यवाद म्यूजिक टीम। हमारे जैसे व्यास ने कहा कि जो टीम है ओकलैंड रमन संस्था ट्रस्ट, अभी तक तो बहुत सुंदर प्रकार से सब काम हो रहा है, अपना टास्क सब जानते हैं और करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि टीमों की बहुत इंपॉर्टेंट था और है और आगे भी ऐसे रहेगा। तो आज का जो मुख्य यजमान हमारे ट्रस्टी सोनी प्रसाद, उनके फैमिली माता पिता के साथ में, ट्रेजरा मोदी, बीना कुमारी अपने परिवार के साथ में,
हमारे कोऑर्डिनेटर नीलेश प्रताप अपने माता पिता और परिवार के साथ में, संजीव को तो सब जानते हैं भैया, संजीव अपने माता पिता इन लोज और पूरा परिवार के साथ में मिलकर आज भोजन प्रसाद और महाप्रसाद के आयोजन किए हैं। और धन्यवाद आप सभी को हुए जिन्होंने किसी भी तरह संस्था को सहयोग किए हैं, जैसे फल फूल पाती धन अन्न द्वारा, और ओकल रमा संस्था ट्रस्ट आप सबके बहुत आभारी हैं। अगर मैं किसी का कुछ इंफॉर्मेशन भूल गया हूं बताने के लिए तो मुझको क्षमा करना। एक सूचना मैं देना चाहता हूं, कल ये प्रोग्राम तो यहां समाप्त हो जाएगा, लेकिन शुक्रवार को हमारा मासिक रामायण प्रोग्राम रहेगा, तो जिसके जिसके इच्छा हो और समय है तो आइए भाग लीजिए। हप्पा सेवन शुरू होगा 9 बजे तक, अंत में सभी को जय राधे राधे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया अरविंद, आप हमारे सेक्रेटरी भी हो संस्था के और आप हमारे ट्रस्टी भी हो, दो दो पद को संभाल रहे हैं और बहुत सुंदर से संभाल रहे हैं। और भैया रुपेन हमारे बीच से थोड़े दिन गायब थे, किसी कारणवश फिजी जाना पड़ा, इनको किसी का निधन हुआ परिवार में, तो इसलिए पुनः वापस हमारे बीच में आ गए। इनको पुनः एक बार हम हृदय से स्वागत करते हैं। और भैया ट्रस्टी हमारे जमा करना हमारे प्रधान जी, इनका भी किसी कारणवश नहीं आना हुआ और आज आए हुए हैं। आइए भैया रमन, क्षमा करना, मैं एक बहुत ही जो हमारे सात रात्रि को भोजन पका कर और सेव किए हुए हैं उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुख्य जो कुक है मास्टर पवन जी और हमारे साथी जितना जो पीछे बैठे हुए हैं, दीवार नहीं छोड़ रहे हैं, वो वहां से किचन में चल देंगे। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। कल भी बहुत सुंदर भोजन, बहुत पकवान, बहुत प्यारा बना महाप्रसाद, ऐसे है ना, इतना सुंदर होता है जब सबका दिल से होता है सब कुछ। आप दे रहे हैं जो अपने अन्न और धन आदि, वो सब दिल से दे रहे हैं, अपने हृदय से दे रहे हैं, तो उनमें मिठास तो यूं आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मैं आज पहले दिन से लेकर के आज तक जितने दिए हैं उन सबको भूरी भूरी प्रणाम, धन्यवाद। आपके घर में माँ लक्ष्मी की अनुकम कृपा बनी रहे और सभी तरफ से भगवान श्री कृष्ण की और श्री माँ राधे का कृपा आप सब पर रहे। और कल का सूचना मैं दे दूं कि 6:15 आप अगर पदार्पण कर सकते हो तो हम हवन यज्ञ आदि जो है वो 6:30 तक। कई लोग हैं जो दूर दूर से प्रोग्राम को देखते हैं और उनको लगा कि हम अपने घर पर भी जो आ नहीं सकते हैं किसी कारणवश, वो अपने घर पर यज्ञ करना चाहते हैं, तो लाइव ट्रांसमिशन होगी यज्ञ का। तो आप 6:30 के आसपास में भी आ सकते हो, तब यज्ञ शुरू हो जाएगा, उससे पहले कुछ प्रिपरेशन हमारी होगी। 6:15 के बाद में आप आ जाएंगे, 6:30 पर हवन यज्ञ शुरू होगा और हम सभी कुछ करके बाद में कथा की तैयारी कर लेंगे 7 बजे तक। और छोटी सी प्रसंग होगी, बहुत बड़ा प्रसंग नहीं होगा, मैं अपनी तरफ से निवेदन करूंगा आप सब हमारे साथ में आए, जितने कलाकार मंच की शोभा बढ़ाने वाले हैं सबसे निवेदन है कि आप खास करके नंद उत्सव जो है वो मंगलवार को मनाई जाएगी, तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेंगे क्योंकि सब नहीं आ पाएंगे ना नंद उत्सव में, इसलिए थोड़ा सा कृष्ण जी का जन्म भी हो जाए और फिर नंद उत्सव का कुछ प्रसंग जो है वो भी हम लोग कृष्ण कन्हैया लाल के झूला झुलाएंगे, सब कुछ करेंगे, आनंद होगा, सब मिलकर के मनाएंगे कल रात्रि को। तो ये 6:30 पर यज्ञ होगा, 7 बजे कथा प्रारंभ होगी, आप आ जाएंगे तो अपने हाथों से जो कुछ भी लाएंगे आखिरी दिन का प्रसाद के रूप में, निवेद के रूप में भगवान को अर्पण करते हुए कथा प्रसंग को हम लोग सुनते हुए झूला झूला करके भगवान को मंगल आरती करते हुए अंत में हम महाप्रसाद का सेवन करते हुए अपने अपने घर को जाएंगे। और जैसे भैया अरविंद ने कहा कि आप सब शुक्रवार को आ सकते हो तो बहुत सुंदर बात है,
मासिक रामायण का हमारा प्रोग्राम होगा आखिरी शुक्रवार को। आइए चलिए हम सब खड़े हो जाएं और हम लोग आरती करेंगे। धन्यवाद। Thank you.
Thank you.
शीला जी हैं एक एक आरती पर और हमारे उधर बहन जी आपको बताइए बेटा आपको स्वागत है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आ गए न्यूजीलैंड धन्यवाद है हमारे श्रवण कुमार के बेटा और पतो जो कभी कभी आया करते हमारे बीच में श्रवण जी उनके बहू बेटी आप दोनों को स्वागत आरती की थाली आपके पास में आइए परिक्रमा कर लेंगे और उधर कौन है हमारे बीच में अच्छा मालकिन है ओके हमारे सरज भाभी है यानी कहानी जब भगवान जन्म कहानी सर्वाणी प्रतीक्षना पदे पदे प्रतीक्षना पदे पदे आर्थिक थाली ऊपर कर ले सभी दर्शन पा लेंगे बाद में आरती आपके पास आएगी ओम आरती गुरु में जाए थे सर्वे भयो देवेभ्यो नमः चले भाव से हम लोग एक आरती ऊपर कर देंगे और दो आरतियां आपके बीच में आएंगी एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में और हमारे उत्तम भैया जी आप मुख्य यजमानों को एक दो आ जाए बस हमें आप पंचामृत हरि ओम सपोल अकाल मृत्यो हरणम सर्व व्याधा विनाशनम श्री गोविंद चरणोदक पीतवा पूर्ण जगमाना विदतया राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए राम कहे सुख
महाराज की सब संतों की सनातन विश्व धर्म की आप सबकी श्री गोविंद दानोदराय जय जय श्री राधे। एक सूचना है बिफोर ऐसा बेटा सुनाई कुछ, हमें एक छोटा सा कीमती गोल्ड चेन है, कोई छोटा बच्चा का लग रहा है या कोई बहुत दुबली पतली होगी तो उसका है, मेरे हाथ में है आपका गिरा हुआ है ब्रेसलेट या मेरे ख्याल में हाथों का कुछ होगा तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिथिलेश भैया को मिल लीजिएगा, वही रखे हुआ है। धन्यवाद। आइए ऐसा बेटी हमारे बीच में ये छोटा सा भजन देकर के आ रही है और आप जब तक प्रसाद का वितरण हो रहा है पुनः एक बार सूचित कर दें आप सब 6:15 तक कल इस भवन में पधारे, अंतिम रात्रि अपने मंगल आशीर्वाद जरूर हम सबको दें और भगवान का आनंद से हम लोग अष्टमी की जो त्योहार है उसको मनाएंगे। श्याम चंदाही श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है। Shout out.
प्रसाद ग्रहण करते रहिए। एक आखिरी कीर्तन अविनेश प्रसाद आ रहे हैं हमारे बीच में, और हमारे अभितेश के और सेल काउंटर के पुत्र हैं, हमारे पंचामी काका जी के पौत्र हैं। बेटा जल्दी से बस आखिरी में अभितेश आज सुना देना एक प्लीज। कृष्ण अच्छा कृष्ण इसके बाद में कृष्ण आ रहे हैं। आप लोग प्रसाद महाप्रसाद देते रहेंगे प्लीज। धन्यवाद। Thank you.
अभिदेश, थैंक यू, जो मेरे